गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तहदिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि जीके के ऊपर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं, जीके में हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही थी, उसी डिस्ट्रिक्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट के बारे में समझने वाले हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट की बातचीत करने वाले हैं, जो नवीनतम डिस्ट्रिक्ट है जो अभी हाल में ही बना है। और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? चरखी दादरी। हाँ, आज हम इस पीरियड में, जो हरियाणा जीके का हमारा पीरियड है, इस पीरियड में चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। चरखी दादरी की हिस्ट्री क्या है, चरखी दादरी का इतिहास क्या है, चरखी दादरी का राजनीतिक महत्व क्या है, खेल की दृष्टि से भी आपने देखा होगा बबीता फोगाट इत्यादि जो है वो चरखी दादरी से संबंधित है, और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम नजर डालेंगे। जब हम बात करते हैं चरखी दादरी की, तो हमें यह पता होना चाहिए कि चरखी दादरी जो है इसकी स्थापना 18 सितंबर 2016 में हुई थी। सबसे पहली बात तो ये कि जो चरखी दादरी जिला है तो 18 सितंबर 2016 को बना, ठीक है। चरखी दादरी जो था वो 18 सितंबर 2016 को डिस्ट्रिक्ट बना। इसके अलावा जब हम चरखी दादरी के बारे में अनेक पहलुओं की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस राज्य की जो घोषणा थी, सॉरी, इस जिले की जो घोषणा थी वो किसके द्वारा हुई थी? 18 सितंबर 2016 को बना किसकी घोषणा से? जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर ने इस जिले की बनने की घोषणा की थी। क्योंकि हमने सबसे पहले तो एक दो चीजों को समझा, 18 सितंबर 2016 को हरियाणा का एक जिला और बना बाईसवान, जिसका नाम क्या था? चरखी दादरी। और इस जिले को जिला बनाने की घोषणा जो है श्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी, जो कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा जब हम चरखी दादरी की बात करते हैं, हमें ये मालूम है कि जब हम चरखी दादरी की बात करते हैं तो दादरी की जब हम बात करें, बहुत सी दादरी है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी है, एमपी में भी है, और अन्य राज्यों में भी दादरी हो सकती है। लेकिन जब हम हरियाणा की बात करते हैं, विशेष तौर पे जिले की, तो ये जो चरखी है, ये दादरी जो है इन बाकी दादरियों से इसको अलग करती है। कैसे अलग करती है? क्योंकि ये जो है दादरी, ये चरखी गांव से संबंधित है। किससे है? जो चरखी गांव है उससे संबंधित है, जिसके कारण चरखी तो जो है वो एक गांव का नाम हो गया, नेम ऑफ विलेज, गांव का नाम है क्या? चरखी, ठीक है। और दादरी जो है इसके साथ इसको जोड़ दिया। दादरी की जब हम बात करते हैं तो दादरी शब्द जो है वो किससे बना है? दादर, जिसको मेंढक बोला जाता है। तो ऐसा स्थान था जहां पे मेंढकों की संख्या ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण इस जिले का नाम जो है, या पहले दादरी स्थापित हुआ। ये एक तहसील थी पहले, इससे बात करें चरखी दादरी की तो डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले क्या थी? एक तहसील थी, और एक बहुत बड़ी तहसील थी, ठीक है। इसके अलावा
संस्कृत शब्द से लिया गया किसको, दादरी को, क्योंकि दादरी को हिंदी संस्कृत में दादर बोला जाता है, अर्थात जिसका मतलब होता है क्या, मेंढक। क्या होता है? मेंढक। मेंढक यहाँ पे अधिक पाए जाते थे। और इसके अलावा पहले एक बड़ी झील होती थी, एक विशाल झील के नाम भी इसका नाम जाना जाता था, विशाल झील होती थी। ठीक है, इसके अलावा जो हम चरखी दादरी की बात करें, जो नेशनल हाईवे है हमारे, जिनको एनएच बोला जाता है, चरखी दादरी जो है वो स्थापित है हमारा, जो नेशनल हाईवे है एनएच है, और वो एनएच कौन सा है हमारा, 148B। चरखी दादरी जो है 148B एनएचजीबी में स्थापित है, जो कि नारनौल से बठिंडा की तरफ जाता है। यानी कि आप अगर नारनौल से बठिंडा की तरफ जाएंगे तो आपका बीच में एक जिला आता है। वैसे तो बहुत से जिले आएंगे, भिवानी आ सकता है आपका, महेंद्रगढ़ आ सकता है, लेकिन चरखी दादरी की जब हम बात करें तो इसके बीच में जो एक जिला जिसकी हम बात कर रहे हैं चरखी दादरी भी आता है। और चरखी दादरी की जब बात की जाए तो जो चरखी दादरी है उसकी दूरी अगर दिल्ली से, यहाँ जो हमारी राजनीतिक राजधानी है उससे अगर हम बात करें तो ये 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है, या 110 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और एक चीज और देखिए, कई हमारे जो जो हरियाणा जीके की बात करते हैं तो हमारे बहुत से डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि अन्य राज्यों की सीमाओं से लगते हैं। ठीक है, जैसे भिवानी की बात की जाए या फिर सोनीपत इत्यादि, पानीपत की बात की जाए, लेकिन दो जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी राज्य से मिल लगती है। वो दो जिले कौन से हैं? एक तो हो गया हमारा कौन सा भी, रोहतक। कौन सा? रोहतक। और दूसरा है चरखी दादरी। मीन्स चरखी दादरी और रोहतक दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं जो है वो किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगती है। तो एक चीज आपने यहाँ तक थोड़ा सा अभी रिवाइज करते हैं कि अब तक हमने क्या समझा है कि चरखी दादरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। चरखी दादरी की जो घोषणा हुई थी राज्य जिला बनने की, उसकी जो अभी 18 सितंबर की हमने बात है, जो चरखी दादरी जो है 18 सितंबर 2016 के मनोहर लाल खट्टर के द्वारा घोषणा हुई थी जिला बनाने के लिए। इसके अलावा इससे पहले जो चरखी दादरी थी वो एक बहुत बड़ी तहसील थी। जब हम चरखी दादरी की बात करते हैं तो दादरी और भी है अन्य राज्यों में, लेकिन जब हरियाणा में विशेष तौर पर चरखी दादरी की बात की जाती है तो चरखी शब्द जो है वो एक गाँव से लिया गया है, जिसके कारण उस क्षेत्र के बारे में हमें पता चलता है। और इसके अलावा हमने ये भी जाना कि जो दादरी शब्द जो है ये दादर से बना है, जो संस्कृत भाषा का है, जिसका मतलब होता है मेंढक। मतलब वहाँ पे पहले दादर या दादरी में अधिक मेंढक पाए जाते थे, जिसके कारण व्यक्ति जो थे उस क्षेत्र को दादरी कहने लगे और नाम पड़ा उसका चरखी दादरी। इसके अलावा दिल्ली से चरखी दादरी का जो डिस्टेंस है, जो हमारी राजनीतिक राजधानी है, इसके अलावा आप जानते हैं हरियाणा की भारत की दो राजधानियां हैं। व्यापारिक तौर पे देखा जाए तो मुंबई, और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो जिसको बोला जाता है क्या, दिल्ली। तो दिल्ली से जो चरखी दादरी का डिस्टेंस है वो आपका 110 किलोमीटर का पड़ता है। इसके अलावा रोहतक और दो जिले, अगर आपसे पूछे जाए कि दो जिले ऐसे जो कि किसी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं, वो आपके दो जिले हैं, एक रोहतक और दूसरा चरखी दादरी। इसके अलावा आपकी जो चरखी दादरी है वो एनएच 148B पर पड़ती है, जो कि नारनौल और बठिंडा के बीच में आता है। और आगे जब हम इसके अलावा हम और समझते हैं इसके बारे में, चरखी दादरी के बारे में, तो हमें ये पता चलता है कि चरखी दादरी जो है वो बहुत से प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे। जैसे आप जब भिवानी की चरखी दादरी की बात करते हैं तो इसमें एक आपका इंस्टीट्यूट है जिसको केदारनाथ
यहाँ पे चरखी दादरी की जब हम बात करें तो हमें पता चलता है कि जो गीता फोगाट है, गीता प्रियंका जीतू विनीश और संगीता। जब हम चरखी दादरी के बारे में बात करते हैं तो ये हमें मालूम है कि जो महिला स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कि आपने महावीर फोगाट का नाम सुना होगा जो कि बलाली गांव से हैं, और उनकी बलाली गांव से जो महावीर फोगाट हैं जो उनकी पुत्रियां हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में या इंटरनेशनल रेसलिंग मैचेस में बहुत से पुरस्कार जीते हैं, जिसके कारण हरियाणा का नाम रोशन किया है और चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। उन्हीं में से कुछ है आपकी गीता फोगाट, बबीता फोगाट, ठीक है, फोगाट प्रियंका, फोगाट रितु, फोगाट विनेश, फोगाट संगीता, फोगाट इत्यादि, जिनके ये बहुत से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो इसी जिले से उत्पन्न हुई है या इसी जिले से खिलाड़ी बनी है। तो इन शॉर्ट आज हमने इंट्रोडक्शन पीरियड में जो कि आज हमारा चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में था, जिसकी सीरीज चलेगी, अन्य अगली कक्षा में हम चरखी दादरी के बारे में और गहराई से जानेंगे और गहराई से समझेंगे। तो ये आपका एक परिचय पीरियड था चरखी दादरी के बारे में। मिलूंगा मैं आपसे अगली जी के पीरियड में, तब तक आप अपने घर पे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, तहे दिल से आप तैयारी करें। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।